राजस्थान में चुनावी बिगुल बज चुका है और ऐसे में 10 मई को राजस्थान आ रहे पीएम मोदी के दौरे को लेकर चर्चा हो रही है। पीएम मोदी नाथद्वारा में श्रीनाथ जी के दर्शन करेंगे, साथ ही आबू रोड में जनसभा करेंगे, जिसको लेकर बीजेपी के तमाम नेता तैयारियों में जुड़े हुए हैं और पीएम मोदी के इस दौरे को ऐतिहासिक बनाने की कोशिश की जा रही है। वहीं सतीश पुनिया के बाद नए प्रदेश अध्यक्ष के रूप में सीपी जोशी की कुर्सी संभालने के बाद पहली बार होगा जब पीएम मोदी राजस्थान के दौरे पर हैं। तो वहीं बीजेपी ने सभा में 1,00,000 लोगों के पहुंचने का टारगेट तय किया है। प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी नाथद्वारा और आबू रोड के दौरे पर आ रहे हैं। नवंबर के महीने में एक सभा के अंदर विलंब आने पर उन्होंने बिना भाषण दिए ये कहा था तो मैं फिर लौट के आऊंगा। अपने उस वादे को निभाने के लिए नरेंद्र मोदी जी आ रहे हैं। पूरे इलाके के लोगों में अपार उत्साह है, उल्लास है। लक्की मीटिंग होगी। इससे पहले नाथद्वारा में भगवान श्री जी के दर्शन भी करेंगे वो, और वहाँ अलग अलग मेडिकल कॉलेज के शिलान्यास और लोकार्पण के साथ रेलवे और नेशनल हाईवे के अलग अलग प्रोजेक्ट्स का शिलान्यास और उद्घाटन करेंगे। वीरभूमि राजस्थान में प्रभु श्रीनाथ जी के दर्शन करेंगे, वहां राजस्थान को रेलवे हाईवे और चिकित्सा के क्षेत्र में अनेक योजनाओं का की सौगात राजस्थान की जनता को मिलेगी, उनका शिलान्यास और लोकार्पण होगा। और उसके बाद में देवभूमि आबू रोड में एक विशाल जनसभा को संबोधित करेंगे, जो कहा कि मैं फिर से आऊँगा माननीय प्रधानमंत्री जी अपना वादा निभाते हुए। और यहाँ की देवतुल्य जनता भी उनके स्वागत और अभिनंदन के लिए आतुर है और एक ऐतिहासिक जनसभा होगी आबू रोड की इस धरा पर।